जहां भी मैं देखूं अंधेरा बड़ा है, जहां भी मैं जाऊं वो रास्ता कड़ा है, हमेशा दिलों को दिलों से जोड़े वही एक मोहब्बत का रिश्ता बड़ा है। खुदा गुमशुदा मेरा जा, मेरे मौला साथ दे, मेरा हाथ थाम ले, तेरा बंदा मुश्किलों में गिरा। नूरे अजल नूरे खुदा। हेलो अस्सलाम वालेकुम सब्सक्राइबर फैमिली, उम्मीद करता हूँ सब लोग खैरियत से होंगे। अ वेरी वार्म वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। लाहौर शहर के बड़े त्यौहारों में से एक त्यौहार हजूर दाता गंज बख्श रहमतुल्लाह अलैह दाता की नगरी से आपका उर्स मुबारक भी है। 978वां उर्स मुबारक जो है वो लाहौर शहर में बड़ी अकीदत और एहतराम के साथ मनाया जा रहा है। तो आज आपसे हजूर दाता गंज बख्श रहमतुल्लाह अलैह से मुतल्लिक बातें करेंगे और आपकी हिस्ट्री के मुतल्लिक थोड़ी गुफ्तगू करेंगे और आपके मज़ार के अहाते में तमाम चीज़ें आपके साथ शेयर करेंगे। तो आप पाकिस्तान के किसी भी कोने में मौजूद हैं, आज आपको दाता दरबार पूरा विजिट करवाऊंगा जितना हो सकेगा। तो आज आपने पूरी वीडियो देखनी है और आइए शुरू करते हैं। जहां भी मैं देखूं अंधेरा बड़ा है, जहां भी मैं जाऊं वो रास्ता कड़ा है, हमेशा दिलों को दिलों से जोड़े वही एक मोहब्बत का रिश्ता बड़ा है। खुदा गुमशुदा मेरा। इस्लामी साल के हवाले से ये 18, 19 और 20 सफर मुजफ्फर को होता है। गंजबख्श रहमतुल्लाह अलैह की पैदाइश के हवाले से बात की जाए तो आप अफगानिस्तान के शहर गजनी में पैदा हुए, जिसके एक इलाके हुजवेर में आपकी पैदाइश हुई, इसीलिए आपको दाता अली हुजवेरी भी कहा जाता है। आप अपने माँ बाप की इकलौती औलाद थे और आपकी भी कोई हकीकी औलाद न थी। दाता गंजबख्श रहमतुल्लाह अलैह ने सारी जिंदगी हजूर की तालीमात को लोगों तक पहुँचाया और अफगानिस्तान से आकर यहाँ पर आपने डेरा लगाया लाहौर शहर में और लाखों नहीं करोड़ों गैर मुस्लिमों को मुसलमान किया और मुसलमानों को भी राह रास्त पर लाए। आपने अपनी जिंदगी में बहुत सी इस्लामी किताबें भी लिखी, जिनमें से एक मारकतुल अरा किताब कशफल माजूब के नाम से है, जिसे जिंदगी में एक मरतबा मौका मिले तो जरूर पढ़िएगा। तो आइए अब चलते हैं मजार शरीफ के करीब। अब मैं मौजूद हूँ मजार शरीफ के सहन में और अब चलते हैं मजार शरीफ के करीब और आपको मजार शरीफ की भी जियारत करवाता हूँ। नूरे खुदा दोनों जहानों की जिया, आगे तो चल यही सदा रोशन करे रास्ता तेरा। मौला मन को नूर से भर दे, मौला मन को नूर से भर दे मेरी रूह को। अब आपको वो हुजरा शरीफ दिखाता हूँ जिसमें हज़रत ख्वाजा मईनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह ने एतकाफ़ किया था और जाते जाते यहाँ से ये शेर कह के गए थे, जो कि दाता अली हुजवेरी के दरबार के बिल्कुल मेन गेट पर ये नक्श है। गंज बख्श फैज़ आलम मजहर नूर खुदा, ना किसारा पीर कामिल कामिल आरा रहनुमा। अब चलते हैं जी दाता दरबार की जो जामिया मस्जिद है, जो मेन दाता दरबार जामिया मस्जिद है वो मेरे पीछे आप देख रहे हैं। अब अंदर जाके वो विजिट करते हैं और आपको दिखाता हूँ। नूरे अजल
नूरे खुदा हर पल रहे रोशन सदा। दीजी जामा मस्जिद जो अंदर महफिल हो रही है यहाँ पर सा रोज़ा आलमी कॉन्फ्रेंस होती है, यानी कि तीन रोज़ा, और पहले दिन चरागा, दूसरे दिन नाते रसूल मकबूल की महफिल यहाँ पर सजती है, और पूरे मुल्क से जो है वो लोग आते हैं और यहाँ पर अपनी हाज़री नातख्वां हज़रात पेश करते हैं, और तीसरे दिन जो है वो यहाँ महफिल समा होती है जिससे पूरे पाकिस्तान से जो जितने भी कवाल हैं वो यहाँ आकर अपनी अपनी हाज़री पेश करते हैं, और हुजूर दाता गंजबख्श रहमतुल्लाह अलैह के दर से जो है वो रहमतों का फैज़ान यहाँ से अल्लाह की बरकत से यहाँ से लेके जाते हैं। और अब चलते हैं दाता दरबार मस्जिद के बेसमेंट में, यानी कि निचले तह खाने में, और वहाँ आपको दिखाते हैं। मोहब्बत का रिश्ता बड़ा है खुदा, गुमशुदा मेरा आका, मेरे पीछे जो आप वजू खाने देख रहे हैं ये बेसमेंट में यहाँ मौजूद हैं और बड़ी तादाद में मौजूद हैं। जो लोग आते हैं यहाँ पर वो यहाँ से वजू करके फिर ऊपर मस्जिद में जाकर जो है वो नमाज़ वगैरह अदा करते हैं, और सभी ज़ायरीन पूरे मुल्क से, यानी कि पूरे पंजाब से भी आते हैं, वो यहाँ से आकर लंगर जो है वो दाता का यहाँ पर नोश फरमाते हैं, और रमज़ान मुबारक में जो एतकाफ़ का जो मामला है वो भी इन्हीं जगहों पर, यानी बेसमेंट में यहाँ पे ही होता है। चूँकि आज से जो है वो उर्स की तकरीबात का आगाज़ हो रहा है, आज पहला दिन है, तो पूरे मुल्क से ये बल्कि आउट ऑफ कंट्री से भी लोग आते हैं, और ख़ुसूसी तौर पर हज़रत दाता गंजबख्श रहमतुल्लाह अलैह के उर्स की तकरीबात में शिरकत करने के लिए। तो आहिस्ता आहिस्ता आप रश देख रहे होंगे और ये मज़ीद बढ़ता चला जाएगा, और साथ ही साथ ख़वातीन के लिए भी पर्दे का भरपूर इंतज़ाम होता है यहाँ पर, और मर्द हज़रात की जो साइड है वो अलग है और ख़वातीन की जो साइड है वो अलग है। हमने अंदरूनी हिस्सा जो है वो काफ़ी हद तक एक्सप्लोर कर लिया, अब हम चलते हैं बैरूनी हिस्से की तरफ, और इर्द गिर्द के जो बाज़ार हैं दाता दरबार के वो आपको दिखाते हैं वो किस तरह के हैं। सो लेट्स गो। मोहब्बत का रिश्ता बड़ा है खुदा। मेरे पीछे आप देख रहे हैं दाता दरबार के बिल्कुल साथ दीवार के बिल्कुल सामने ये सारा बाज़ार शुरू हो जाता है। मेरे पीछे आप शॉप्स देख रहे हैं जहाँ हर तरह की शॉप्स खाने पीने की और बच्चों के खिलौने वगैरह, यानी जो ज़ायरीन आते हैं वो बच्चे वगैरह खिलौने भी यहाँ से लेके जा सकते हैं। फुल मेले वाला समा होता है। मेरे मौला साथ दे, मेरा हाथ थाम ले, तेरा बंदा मुश्किलों में गिरा, नूरे खुदा। दरबार के तीसरे रोज़ जो महफिल समा होती है उसका हाल जो है वो बिल्कुल ये सामने है, यहाँ नीचे जाकर जो है वो महफिल समा सजती है। यही सदा रोशन करे रास्ता तेरा मौला, मन को नूर से भर दे मौला, मन को नूर। जो मेरे पीछे आप जगह देख रहे हैं यहाँ पूरे पंजाब भर से जो गुज्जर बरादरी है वो तमाम दूध तीन रोज़ा जो उर्स की तकरीबात होती हैं उनमें यहाँ पर लाकर बांट देते हैं, उन तीन दिनों में बेचते नहीं हैं। कमाल है जो है कायनात में हर जगह, तेरे नूर ही का कमाल है के चमक उठे मेरी हर दुआ, तेरा नूर ही तो जमील है, तेरा नूर ही तो करीम है, तेरा नूर ही तो गफूर है, तेरा नूर ही तो रहीम है।
अगर आपको आज का ब्लॉग पसंद आया तो जरूर लाइक सब्सक्राइब और शेयर कीजिएगा। शेयर लाजमी कीजिएगा ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक ये वीडियो पहुंच सके और लोग मुस्तफीद हो सकें। और मुझे दे इजाजत आज के ब्लॉग से, अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा और दुआओं में जरूर याद रखिएगा। आई विल मीट यू इन द नेक्स्ट ब्लॉग इंशाल्लाह ताला एंड वेरी सरप्राइजिंगली टेक केयर सेल्फ, गुड बाय, अल्लाह की बान। नूरे खुदा हर पल रहे रोशन सदा।